मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून जिले में विधानसभावार अपनी घोषणाओं के तहत विभिन्न कार्यों की समीक्षा की। कहा, सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए स्वीकृत किए गए कार्य समय पर पूरे किए जाएंगे। केंद्रीय भूतल परिवहन राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया और केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टमटा ने चंपावत जिले में ऑल वेदर रोड के निर्माण कार्य की प्रगति जानी। समय से कार्य पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। और उत्तराखंड की लोक गायिका कबूतरी देवी का निधन। दशकों से आकाशवाणी केंद्रों से सुनाई देती थी उनकी मधुर आवाज। लोक संस्कृति प्रेमियों में गहरा शोक। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की संभावनाओं पर सभी राष्ट्रीय और मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के साथ विधि आयोग विचार विमर्श कर रहा है। आयोग ने दो दिन की बैठक में 7 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और 59 राज्य स्तरीय दलों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। आयोग ने एक साथ चुनाव संवैधानिक और कानूनी परिप्रेक्ष्य विषय पर मसौदा पत्र तैयार किया है और राजनीतिक दलों, संविधान विशेषज्ञों और नौकरशाहों, शिक्षाविदों और आम लोगों सहित सभी पक्षों से राय मांगी है। गौरतलब है कि मसौदे को अंतिम रूप देने के बाद सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी। मसौदे में विधि आयोग ने एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान और 1950 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में प्रस्तावित सौंग बांध के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूरी करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने 22 जुलाई को रिस्पना क्षेत्र में प्रस्तावित पौधरोपण कार्यक्रम में अधिक से अधिक सहभागिता के लिए स्कूली बच्चों के साथ ही स्थानीय लोगों को भी प्रेरित करने की बात कही। सचिवालय में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री रावत ने देहरादून जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपनी घोषणाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए स्वीकृत किए गए कार्यों पर पूरी गंभीरता के साथ समयबद्ध तरीके से काम किया जाएगा। श्री रावत ने उनके द्वारा की गई सभी घोषणाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इसके लिए जिला स्तर पर जिलाधिकारी और शासन स्तर पर सचिव अमित नेगी को जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा कि भविष्य में जो भी सीवरेज योजनाएं बनाई जाएं, उनमें सीवरेज लाइन बिछाने से पहले ट्रीटमेंट प्लांट बनाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने प्रदेश के नगर निकायों की परिधि में शामिल होने वाले नए क्षेत्रों से 10 वर्ष तक भूमि कर नहीं लेने के भी निर्देश दिए। एक अन्य मामले में मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश को निर्देश दिए कि इस बात का भी परीक्षण कर लिया जाए कि नालों को कवर करना कहां तक उचित है। बैठक में प्रभारी मंत्री यशपाल आर्य, विधायक हरबंस कपूर, गणेश जोशी, मुन्ना सिंह चौहान, उमेश शर्मा काऊ, सहदेव सिंह कुंडीर, खजान दास, विनोद चमोली उपस्थित रहे। केंद्रीय भूतल परिवहन राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया और केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टमटा ने चंपावत जिले में ऑल वेदर रोड के निर्माण कार्य के प्रगति जानी। उन्होंने अधिकारियों को समय पर निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर श्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि देवभूमि में विश्व प्रसिद्ध 4 धाम स्थित हैं, साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रा का ये मुख्य पड़ाव भी है। उन्होंने कहा कि इन्हीं विशेषताओं को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़क व्यवस्था सुधारने के लिए ऑल वेदर रोड की सौगात उत्तराखंड को दी है। उन्होंने कहा कि ऑल वेदर रोड के निर्माण से राज्य में पर्यटन बढ़ेगा और राज्य की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। हिमालयन रेंज में आया हुआ देवभूमि है, यहाँ कई यात्राधाम भी है और देश की जनता उत्तराखंड के यात्राधाम 4 धाम यात्रा के साथ जुड़ी हुई है। कैलाश मानसरोवर का रूट भी इस उत्तराखंड से पास होता है और यहाँ प्रधानमंत्री जी की कैम्बिशियस थी कि 4 धाम पर ऑल वेदर रोड बने और इस दृष्टि से ऑल वेदर रोड का काम भी शुरू है। उसका भी हमने यहाँ रिव्यू लिया और उसके साथ साथ 4 धाम परियोजना का एक भाग तनकपुर से पिथौरगढ़ का भी है, उसका भी अच्छी तरह से प्रोग्रेस चल रहा है, समय सर काम हो रहा है और उनके साथ यहाँ से जो कैलाश मानसरोवर यात्रा का रूट जा रहा है BRO, PWD और NHI के माध्यम से ये रोड नेटवर्क का काम चालू है, उसका भी हमने रिव्यू किया है और BRO के साथ बैठ के विस्तार से हम जो कैलाश मानसरोवर को कनेक्टिंग करता हुआ रोड हिमालयन रेंज से पास हो रहा है उसको भी हम रिव्यू करेंगे और अगले 2 साल में उत्तराखंड में रोड नेटवर्क बहुत अच्छा हो जाएगा।
इससे यहाँ रोड कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ रिलीजियस टूरिज्म भी बढ़ेगा। रिलीजियस टूरिज्म बढ़ने से यहाँ की जनता में, यहाँ का लोक जीवन में और यहाँ के जनता की आर्थिक उन्नति में एक गुणात्मक और सकारात्मक परिवर्तन होगा। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने जीएसटी से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने उद्योग और व्यापार से जुड़े लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना। मुख्य सचिव ने राज्य सरकार के स्तर से जिन समस्याओं का समाधान हो सकता है उनके समाधान का भरोसा दिलाया। वहीं कुछ मामले जीएसटी काउंसिल के सामने रखने का भी आश्वासन दिया। सचिवालय में आयोजित बैठक का उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने उनकी समस्याओं को सुनने और समाधान के लिए राज्य सरकार की पहल का स्वागत किया। इसके लिए उत्तराखंड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने मुख्य सचिव को सम्मान पत्र भी सौंपा। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने व्यापारियों की मदद के लिए हेल्पलाइन के अलावा हेल्प डेस्क की व्यवस्था करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में आयुक्त व्यापार कर सौजन्या ने व्यापारियों को जानकारी दी कि जीएसटी में पंजीकृत होने पर प्रत्येक व्यापारी का 5 लाख का बीमा स्वतः ही हो जाता है। 60 और 70 के दशक के आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से अपनी मधुर आवाज में कुमाऊनी गीतों को प्रस्तुत करने वाली उत्तराखंड की लोक गायिका कबूतरी देवी का आज निधन हो गया है। उन्होंने आज पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में अंतिम सांस ली। कबूतरी देवी को 2 दिन पहले सीने में दर्द और सांस लेने में परेशानी की शिकायत होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रशासन द्वारा आज सुबह 7 बजे हेलीकॉप्टर से उन्हें हायर सेंटर हल्द्वानी ले जाना था, जिसके लिए उनको आज सुबह हवाई पट्टी भी लाया गया था, लेकिन कबूतरी देवी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर उन्हें दोबारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां करीब 10:35 पर उनका देहांत हो गया। कबूतरी देवी 72 वर्ष की थीं। उनकी निधन की सूचना पर केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा भी श्रद्धांजलि देने अस्पताल पहुंचे। श्री टम्टा ने कबूतरी देवी के निधन को अपूर्णीय क्षति बताया। पूरे कुमाऊं और गढ़वाल का जो कल्चर है और खास तौर पर जो उनके पास विरासत थी और जो कलाएं उनके पास थी वो किसी के पास आगे मेरे को लगता नहीं कि बहुत लोग कम ज़्यादा लोगों के पास होगी। और ऐसी विरासत की देवी और ख़ास तौर पर जो हमारा संस्कार है, संस्कृति है, उसको गिरोने वाली ऐसी एक बहुत बड़ी सती पूरे उत्तराखंड को, पूरे देश को। आकाशवाणी नजीबाबाद, लखनऊ, दिल्ली और मुंबई केंद्रों से कबूतरी देवी ने कई कुमाऊनी गीत गाए। ऋतु आधारित गीतों में उन्हें महारत हासिल थी। ये जो है उत्तराखंड की लोक गायकी के लिए सबसे बड़ा जो है क्षति, इसकी क्षति होना जरा बड़ा कठिन काम है, इसकी क्षतिपूर्ति नहीं होने वाली। 1970 में जबकि यहाँ से जो है कोई भी आदमी, कोई भी महिला बाहर जाकर के गाने के लिए तैयार नहीं थी या नहीं जा पाती थी, उस दौर में कबूतरी देवी ने लखनऊ जाकर के और दूसरी जगहों पर जाकर आकाशवाणी के केंद्रों में जाकर के उन्होंने ये लोक गायकी को जो है वहाँ पर प्रमोट किया। हाईकोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने को लेकर और सख्त रुख अपना लिया है। अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में आयोजित हुई समीक्षा बैठक में अतिक्रमण करने वालों पर आईपीएससी की के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराने का निर्णय लिया गया। श्री ओम प्रकाश ने बताया कि 7 से 27 जुलाई तक अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी रहेगा। अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि भविष्य में कोई दोबारा अतिक्रमण करता है तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध संबंधित विभाग एफआईआर दर्ज करवाएं। उन्होंने कहा कि ध्वस्तीकरण के कार्य में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। अपर मुख्य सचिव ने पुलिस विभाग से रविवार को देहरादून में लगने वाले संडे मार्केट को किसी भी दशा में न लगने देने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति संडे मार्केट लगाता है तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सब्जी मंडियों के लिए वेंडिंग जोन बनाने की भी बात कही। उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग की टीम राहत और बचाव कार्य के लिए पूरी तरह तैयार है। ये बात आज सचिवालय में
पत्रकारों से बातचीत में अपर सचिव सविन बंसल ने कही। उन्होंने बताया कि भारी बारिश और आपदा के समय टेलीफोन की सुविधा को बहाल कर रखने के लिए विभाग ने टेली कम्युनिकेशन प्लान को जारी किया है। इसके साथ ही कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल को भी जारी करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आपदाग्रस्त स्थान पर राहत पहुंचाने में आसानी हो। उन्होंने बताया कि मौसम विभाग ने जिन क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी दी है वहां प्रशासन ने चिकित्सा, पेयजल, संचार और भोजन की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वेदर फोरकास्ट के अकॉर्डिंग पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत में 9 जुलाई को हेवी रेनफॉल प्रिडिक्ट किया गया है और 10th एंड 11th जुलाई को इन प्लेसेस के साथ साथ चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग में भी हैवी रेनफॉल प्रिडिक्ट किया गया है। इसके दृष्टिगत सभी डीएम्स को, एसएसपीस को और फील्ड मशीनरी को विजिल पे रखा गया है और जितने हमारे कम्युनिटी वॉलंटियर्स हैं, हमारे जितने डिजास्टर रिस्पॉन्डर्स हैं, उन सब से मोबिलाइज करने की भी अपील की गई है। सभी आवश्यक मशीनरी और ऑपरेटर्स प्लेस में रहेंगे और साथ ही फूड एंड राशन स्टॉकिंग्स सेंसिटिव एरियाज में रखने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। साथ ही जो हमारे मोबाइल ऑपरेटर्स हैं उनको उनके टावर लोकेशंस पे सफिशेंट मैन पावर फ्यूल रखने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने आगामी 9 और 10 जुलाई को कुमाऊं क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विज्ञान विभाग देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 10 और 11 जुलाई को गढ़वाल मंडल में विशेषकर पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। शासन ने मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। 9 से आगे अगर बात करें करीब करीब 15 तक जो है तो मैं कहूँगा कि पूरे प्रदेश में जो 6 से 7 दिन आगे के हैं 9 तारीख से लेके तो उसमें जो है लाइट से मॉडरेट रेन पूरे प्रदेश में जो है ये 5 से 7 दिन चलने वाली अच्छी स्पेल जो है एक रेनफॉल एक्टिविटी है। साथ में अगर इंटेंसिटी वाइज बात करें तो उसमें जो 9, 10, 11 हैं ये 3 दिन जब तक और ख़ासकर उसमें 10 और 11 जो है विशेष रहेंगे कि जिसमें आप देखेंगे जो हैवी से वेरी हैवी रेन्स भी है वो भी आपको देखने को मिलेगी। खासकर कुमाऊँ रीजन में 10 को है और 11 को जो है गढ़वाल रीजन में भी हैवी रेन्स जो है देखने को मिलेगी। हरिद्वार गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के परिसर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुल महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में कई संत धर्माचार्यों के साथ ही योग गुरु बाबा रामदेव और मेघालय के राज्यपाल गंगा प्रसाद भी प्रमुख रूप से शामिल हुए। गुरुकुल सम्मेलन में आर्य समाज का देश की आज़ादी और उत्थान में योगदान पर कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का देश में कुप्रथा, अंधविश्वास और कुरीतियों को समाप्त करने में योगदान रहा है। स्वामी रामदेव ने गुरुकुल शिक्षा पद्धति से देश की कुरीतियों को समाप्त करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 से 10 सालों में भारतीय शिक्षा पद्धति लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति का विकल्प बन जाएगी। वक्ताओं ने बताया कि 2025 में आर्य समाज अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरे करने जा रहा है। भविष्य में आर्य समाज के द्वारा देश में समतामूलक समाज बनाने की दिशा में कई अभियान चलाए जाएंगे। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। विधि आयोग ने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की संभावनाओं पर आज राष्ट्रीय और मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श शुरू किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून जिले में विधानसभावार अपनी घोषणाओं के तहत विभिन्न कार्यों की समीक्षा की। कहा, सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए स्वीकृत किए गए कार्य समय पर पूरे किए जाएं। केंद्रीय भूतल परिवहन राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया और केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा ने चंपावत जिले में ऑल वेदर रोड के निर्माण कार्य की प्रगति जानी। समय से कार्य पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। और उत्तराखंड की लोक गायिका कबूतरी देवी का निधन। दशकों से आकाशवाणी केंद्रों से सुनाई देती थी उनकी मधुर आवाज। लोक संस्कृति प्रेमियों में गहरा शोक। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।